Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक बहुत ही मस्त गेम जहां पर मैं हूं एक सफाई वाला. बट यार मैं ऐसे कोई नॉर्मल सफाई वाला नहीं हूं. मुझे झाड़ू पोछा नहीं मारना, कहीं बर्तन कपड़े नहीं धोने. मुझे सफाई करनी है एक क्राइम सीन की. मतलब ऐसे कहीं पर कोई किसी का मर्डर कर देता है, किसी को मार देता है, तो मुझे उस एरिया की जाके सफाई करनी है. हो सकता है मुझे किसी का ब्लड क्लीन करना पड़े, कुछ डेड बॉडीज को छुपाना पड़ सकता है, और भी पता नहीं कैसे कैसे काम इस गेम में होने वाले हैं. बट हां, ओवरऑल मुझे ध्यान में ये रखना है कि भाई सफाई इस तरीके से होनी चाहिए कि कल को पुलिस वहां पर आए ना तो इन्वेस्टिगेशन में उन्हें वहां कुछ ना मिले. लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं अपनी प्रोफेशनल जॉब पे जो कि है क्राइम सीन क्लीनर. ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट मिशन पे जहां पर किसी ने किसी का तो मर्डर करा है. ऊपर चल के पता चलेगा कि आखिरकार यहां पर हुआ क्या है. बाय द वे, ये जो जगह है काफी गंदी सी यार, समझ नहीं आ रहा इतना ज्यादा कूड़ा कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है. ये देख रहे हो हर तरफ ही एकदम छी. भाई ऐसी जगह पर मैं कसम से एक दिन भी नहीं रह सकता. बाकी ठीक है, उसने मुझे बोला डेड बॉडी है, मुझे उसे छुपाना है. बट सबसे पहले उसके घर में चलते हैं. और उसका एड्रेस था अपार्टमेंट नंबर 23. मुझे नहीं पता वो कहाँ से है, पर यहाँ पर क्या है ये, एक सेकेंड, क्या ये रास्ता है क्या अपार्टमेंट 23 का? बड़ी अजीब सीढ़ियाँ हैं देखने में, मुझे यही लग रहा है वैसे. हेलो टाइलर. वैसे टाइलर यहाँ पर क्यों होगा, वही तो मर्डर करके भागा है. उसी ने मुझे फोन करके पैसे दिए हैं कि भाई तुम्हारे पैसे मैंने वहाँ पर रख दिए, बस डेड बॉडी छुपा देना. और अभी हम लोग उसके अपार्टमेंट में अंदर आ चुके हैं. एक मिनट यार, घर की चाबी जो है ना वो यहीं कहीं पर होगी यार अंदर जाने की. ये है अपार्टमेंट नंबर 23 जो कि लॉक्ड है. एक सेकेंड, उसने ना यहाँ पर हमारे लिए कोई मैसेज छोड़ा है. To the mindless mortal living here, I am so sick of you, sick of hearing this happy music every single night, sick of all your shady looking friends banging on your door. And भाई कुछ तो इनके बीच में आपस में लड़ाई वड़ाई होगी शायद से. ये एक दूसरे के नेबर थे बट शायद से अच्छे नेबर नहीं थे, वो उसके दोस्तों की वजह से परेशान था. तो भाई मर्डर ही कर दिया. ये देख रहे हो भाई यहाँ कौन रहता है अपार्टमेंट नंबर 22 में. बुरा हाल हो रखा है अंदर का. खैर छोड़ो यार, मुझे चाबी ढूंढना है. चाबी. वेट एक सेकेंड, देखो यार यहाँ टेबल पे काफ़ी सारा सामान वामान रखा हुआ है और इसके अंदर तो मुझे खैर कुछ भी काम का नहीं दिख रहा. पर यहाँ पर कोई ऐसा आइटम भी नहीं है जिससे देख के पता चले कि इधर किसी का मर्डर हुआ है. ओके वेट, पीछे यहाँ पर एक बॉक्स रखा है और इस बॉक्स के नीचे है इस अपार्टमेंट का की. लेट्स गो, चाबी मुझे मिल चुकी है इस अपार्टमेंट नंबर 23 के अंदर एंटर करने की. लेट्स गो भाई, इसे ओपन करते हैं. और ये है वो जगह जहाँ पर मर्डर किया गया. ये देखो भाई, ये तो पूरे के पूरे क्लियर एविडेंस छोड़ के गए. सामने बहुत सारा ब्लड गिरा हुआ है और इधर बहुत सारे फुटप्रिंट्स हैं जिसपे प्रॉपर ब्लड का निशान है. वेट एक सेकंड यार, इसको हम लोग बंद कर देते हैं दरवाजे को. बाहर से किसी को नहीं पता चलना चाहिए अंदर क्या हो रहा है. एक सेकंड, यहाँ पर ना एक चाबी और पड़ी है और इस चाबी में कोई निशान तो नहीं है हाथ में, फिंगरप्रिंट वगैरह. वैसे आंखों से नहीं दिखने वाले यार ये. मुझे अपने पास रख लेनी चाहिए चाबी, किसी के पास नहीं जाएगी, बढ़िया रहेगा. तो देखो स्टार्ट करते हैं सबसे एकदम बेसिक से. ये जितना भी ब्लड है ये तो मुझे यहाँ से हटाना ही है. और उसने मुझे बोला था कि यहाँ पर ना उसकी बॉडी भी है, तो मुझे बॉडी हटानी पड़ेगी. और एक सेकंड, ये क्या है, टीथ क्लीन. गाइस इस जगह की हालत सचमुच में बहुत ज्यादा बुरी हो रखी है. एक बार ये देखो भाई, वॉश बेसिन में क्या कर रखा है ये, पूरा इसके अंदर घुसेड़ घुसेड़ के मारा गया उसको. एक मिनट, यहाँ पर भी एक डोर तो है भाई. मैं सोच रहा था कि थोड़ा बहुत ब्लड होगा, बट नहीं यार, ये कुछ ज्यादा गलत लेवल पे मर्डर किया गया है. देख रहे हो ग्राउंड फ्लोर से लेकर सामने वाली वॉल तक में कितनी बुरी तरह ब्लड है. पक्का एक ही बंदे को मारा है ना यार, ऐसे लग रहा है 5-6 बंदों का खून है. जी भाई, ओ ये रहा वो. एक सेकेंड यार, इसको हटाओ पहले, इस पे भी ब्लड का निशान है, मुझे इसे हटाना पड़ेगा. फिलहाल के लिए साइड करते हैं. तो ये है वो बंदा जिसके पीठ पे चाकू मारा गया है और यहाँ पर भी बहुत सारा ब्लड ऊपर से भी गिर रहा है. एक मिनट, ऊपर क्या है यार. उसने मुझे बोला था एक बॉडी है पर यहाँ पर एक्चुअल में दो बॉडीज हैं. एक सेकंड भाई, मुझे लग ही रहा था कि ये एक बंदे का ब्लड. एक सेकंड, ऊपर और तो नहीं है कोई, है अंदर भाई. ये तो कुछ अलग ही बिजनेस कर रहे हैं भाई, यहाँ पर प्रॉपर वीड वगैरह ग्रो कर रखे है भाई. really, really
भाई ये गलत गेम डाल लिया यार मैंने। फर्स्ट लेवल ही ऐसा है, मतलब यार अपना फर्स्ट जॉब ही इतना खतरनाक है। तो सबसे पहले तो मुझे ना यहाँ पर से सारी की सारी बॉडीज हटानी पड़ेगी, उसके बाद ब्लड हटाएंगे, उसके बाद जो छोटी मोटी चीज है जिसके ऊपर ब्लड के निशान या किसी के फिंगरप्रिंट रह गए हैं उन सबको क्लीन करेंगे। वैसे मुझे पता नहीं कि और भी बॉडीज है यहाँ पर नहीं, बाकी जितना एरिया भी मैंने चेक करा है सारा का सारा क्लियर है। कोई तो एक टेप रिकॉर्डिंग है भाई, एक सेकेंड, यहाँ पर भी बहुत सारे एविडेंसेस है। क्या है ये भाई, इसने सबको मार मार के उनकी फोटो खींची यार, खतरनाक ही बंदा था यार ये, जो भी था इसको तो मुझे पुलिस से बात करके से जेल में डलवाना चाहिए। पर ठीक है यार, अभी अपना गेम ही यही है, हमें इस चीज के पैसे मिल रहे हैं, हमारी इस गेम में जॉब यही है तो हमें यही करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इस बॉडी को हटाते हैं। इसे मैं रख के कहाँ पे आऊंगा, गोदी में उठा लिया उसे। अरे एक मिनट से कहाँ फेंक के आऊं मैं, खड़े उतर नीचे ऐसे नहीं है। तो हाँ, अपना सिंपल टास्क यही है कि मुझे ना इस बॉडी को नीचे अपनी गाड़ी की डिक्की में छुपा कर आना पड़ेगा, क्योंकि वही एक तरीका है इसे यहाँ से बाहर ले जाने का। तो अभी फिलहाल के लिए ना मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ, नीचे बैठे यहाँ पे। मेरा प्लेयर बड़ी बुरी तरह थ्रो करता है यार, बेचारे मरे हुए लोगों पे तो परवाह कर ले यार। एक मिनट, मैं मुक्का मार सकता हूँ इस पे। ले भाई जान। तो मैं अगर यहाँ से नीचे फेंकूंगा बॉडी तो सीधा मेरी गाड़ी पे पहुंचेगी। क्या यार, मतलब ये वो नाइफ जिससे मारा था। आजा बेटा साथ चल तू। चलो भाई इस बंदे को लेकर चलते हैं, इसकी बॉडी को हम लोग यहाँ से फेंकते हैं नीचे, क्योंकि यार मैं 3 मंजिल लेके तो उतरने नहीं वाला। ये एक जगह सही लग रही है, यहाँ से चल निकल। अरे ये तो बीच में अटक गया। ठीक है, ये एरिया सही है, अभी फिलहाल के लिए सारी की सारी बॉडीज को ना यहाँ पे रखते हैं। चलो मैम आप भी चलो। यार इस बंदे ने इस घर में इतना ज्यादा गंद मचाया कि क्लीन करते करते हालत और गई, नीचे जाके गिरी है वो सीधा। यहाँ पर एक बॉडी और थी, इसको भी उठा लेते हैं और इसको भी लेकर चलते हैं फेंकने। यार बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है इस बंदे की घर की सफाई करने में। चल नीचे उधर, एक मिनट, ये ले, ये भी गई नीचे। चल देख सारे चले गए तो तू भी चल ली ले। वैसे ये प्रॉपर नीचे नहीं गए, यहाँ पे सीढ़ियां हैं, ये सीधा गाड़ी के ट्रंक में। वेरी गुड, आप आओ मैम सीधा उधर। वाह, हो पैक हो गई। अच्छा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहीं से फेंक के पैक कर सकते हैं। ओ वेट एक सेकेंड भाई, नीचे भी किसी का अपार्टमेंट है यार। रुको यार, पहले ये तोड़ने पड़ेंगे, लेट्स गो, अभी चलते हैं यहाँ पे अंदर। इधर एक हिडन अपार्टमेंट है जिसके अंदर कुछ ऐसे खास तो नहीं रखा हुआ, पर थोड़े बहुत पैसे वैसे हैं यार, ये सब चुरा लेते हैं। और ये क्या है भाई अंदर, वो इधर एक और की है, ये पता नहीं किस चीज का की है। ओके छोड़ो 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 यार, अभी इन सब पे बाद में ध्यान देंगे, अभी फिलहाल अपने काम पे चलते हैं वापस। तो मुझे पहले भाग के चलना है नीचे। तो ये जो बॉडी मैंने ऊपर से फेंकी थी इसको उठाकर गाड़ी में रखवा देते हैं। अरे इधर आओ, गया। चलो पैक। यार एक ना प्रॉब्लम हो गई, ऊपर से मैंने 3 बॉडीज फेंकी थी बट यहाँ पर मुझे 2 ही मिली है, बीच रास्ते में एक बॉडी कहीं तो गायब हो गई। चलो कोई बात नहीं, देखते हूँ वाली बॉडी कहाँ पर गई। फिलहाल अभी वापस से चल। यार एक सेकेंड, अगर वो मैं बॉडी को कहीं इधर उधर छोड़ दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी बात के लिए। अबे कहाँ चली गई यार, यहीं से ला के मैंने नीचे ही तो फेंकी है। ओ मुझे दिखी 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 दिखो, इधर चली गई वो गलती से। चलो भाई यहाँ से चलते हैं, अभी तो मेरी डेड बॉडी बन जाती, तो इसको लेके चलते हैं और यहाँ से ले जाके डाल देते हैं गाड़ी में। चलो भाई, तो तीनों बॉडीज को हमने एकदम अच्छे से पैक कर दिया है, और हमारा काम शायद से इतना ही नहीं था, हमें यहाँ पर अभी अच्छे से क्लीनिंग भी करनी है इसके अपार्टमेंट की। बट हाँ एक तरीके से देखा जाए ना, उस चीज के इसने हमें पैसे नहीं दिए, इसने हमें बस पैसे दिए थे एक बॉडी क्लीन करने के। पर यहाँ पर आके पता चला है कि यार इधर तो कांड कुछ ज्यादा ही हो रखा है। पर कोई बात नहीं यार, हमें अपनी अच्छी रेपुटेशन रखनी है अपनी कंपनी की, तो हम लोग इन्हें सारा काम करके देंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं यह मोप, जिससे मैं सारे जो जमीन पे जितना भी ब्लड है ना उसकी। ओ भाई कितनी तेज हाथ चला रहा है यार, वेरी गुड, इतनी मेहनत अगर पढ़ाई में कर लेता ना तो आज ये क्राइम सीन क्लीनर नहीं बनता। अरे 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 एक सेकंड भाई, अभी तो मॉप ना गंदा हो चुका। ओ छी, मॉप के अंदर इतना ब्लड लग गया है कि जब मैं उसको यूज कर रहा हूं तो वो ब्लड, एक मिनट भाई मुझे इसे धोना पड़ेगा। अरे चालू कैसे होगा ये, अरे एक मिनट ये चालू कैसे होता है भाई, नलके में पानी कैसे आएगा। हेलो भाई घूमेगा कैसे तू, रुको यार देखो मॉप तो समझ नहीं आ रहा कैसे साफ होगा, मेरे पास स्पॉन्ज है, जब तक ये वॉश बेसिन तो साफ कर ही देते हैं, थोड़ा थोड़ा काम होते रहेगा बढ़िया रहेगा। और बाकी ना मैं ऐसे चेक भी कर सकता हूँ कि गंदगी कहाँ कहाँ पर है, मेरे पास एक क्लीन सेंस है जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। ओके वेट, तो ये है अपने पास बकेट जिसमें मुझे पहले यहाँ पर रख के ना इसे पानी भरना है, और ये बकेट में जगह जगह ले जाकर इससे सफाई। ओ ये क्या था भाई, वो गलती से टकराई और सारा पानी गिर गया। ओके ठीक है, एकदम आराम से ले जाऊंगा इसको, यहाँ रख देते हैं। और ये अपना मोप, तो मुझे इसे मोप में बार बार
हल्के से क्लीन करना है और अभी करते हैं यहाँ की सफाई और इसके थ्रू मैं पता कर सकता हूँ कहाँ पे कितनी गंदगी है। ये देखो इधर है जैसे और यहाँ पे भी गंदगी है। इधर तो मैंने गंदगी बहुत ही ज्यादा मचा रखी है यार। कोई बात नहीं भाई, इसको चेंज करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला पानी भी थोड़ी देर में रेड हो जाएगा भाई पूरा। एक मिनट इधर पता करते हैं कि है कहाँ कहाँ पे मार्क्स। ये देखो ये सारा जितना भी कलर चेंज हो रहा है ना, ये सारा ब्लड का साइन है। तो देखो यार ये वाला रूम तो काफी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, बट ये जो बाहर वाला रूम है ना इसमें अभी भी कहीं कहीं पर ये मार्क्स रह गए हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए स्पॉन्ज है, इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। बाकी तो इस वाले एरिया की सफाई काफी अच्छे से मैंने कर दिया है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कहीं पर भी कुछ रह गया। अंदर वाला रूम लेकिन काफी ज्यादा गंदा है, तो यहाँ पे बहुत ही तेज स्पीड में सफाई करनी होगी। एक तो यार ये जो अपना मोप है ना, हर 2 सेकंड में एकदम गंदा हो जाता है, और अभी तो जो अपनी वाटर बकेट है ना ये भी गंदी हो चुकी है, तो इसका पानी मुझे यहाँ पर से चेंज करना होगा। तो पहले वाला पानी हटाते हैं, नया पानी लेकर चलते हैं। सचमुच में क्लीनर ही बन गया भाई प्रॉपर। चलो भाई अब बारी है इस वाले रूम की, बकेट रखते हैं यहाँ पे, मोप निकाल के देख लेते हैं भाई गंदगी कहाँ कहाँ पर है। मेरे हिसाब से बस सामने वाली साइड पे है जो है। अरे एक सेकंड यार, इस तरीके से ना वाइपर लगाने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। पहले जो फालतू का आइटम है ना मुझे यहाँ से उठाकर इसे फेंक के आना होगा क्या? अच्छा नहीं, इसे उठा के ना सही से रखना पड़ेगा यार, बट उसके लिए इन सबको क्लीन भी करना होगा। भाई इसका फोन भी यहाँ पर रह गया यार, ये वाला मैसेज तो मैं संभाल के रख लेता हूँ। ठीक है भाई, अभी फिलहाल के लिए ना मैंने यहाँ से सारा का सारा सामान हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पर ना पहले अच्छे से वाइपर मारना होगा। चलो भाई अभी कार वापस चालू करते हैं सफाई। अरे यार बहुत ज्यादा गंदगी है भाई इधर। अबे ये क्या कर दिया मैंने, गलती से यार मैंने बकेट पे वाइपर मार दिया, सारा पानी गिर गया यार। चलो कोई बात नहीं, बकेट को लेकर चलते हैं, यहाँ पर रखते हैं दोबारा से, एक बारी पानी भरेगा फिर चलेंगे। लेट्स गो, बकेट रख दिया यहाँ पे, मॉप मारा, सफाई चालू। ओहो, बहुत ज्यादा गंदा यार अभी तो एरिया। कोई बात नहीं, ये वॉल पहले करते हैं, वॉल की वजह से मेरा साथ ज्यादा सर दर्द हो रहा है। इतना ब्लड वहां तक जा कैसे सकता है यार, पक्का इंसान नहीं मारा ना, कोई भालू वालू तो आके अटैक नहीं करके गया। भाई अभी ना मैं एकदम प्यार प्यार से सफाई करता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि एकदम रेंडमली वाइपर मारूंगा ना कहीं भी तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो बेटर है कि ऐसे एकदम लाइन वाइज क्लीन करते हुए चलें, ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक, परफेक्ट। तो एक एक करके ना मैंने सारी की सारी पेंटिंग और ओवरऑल पूरा वॉल ही काफी अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो ठीक है यार, अभी मॉब बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है, आई थिंक लास्ट अभी तो क्लीन ही होना बंद हो गया है। भाई बार बार इस बकेट से ना प्रॉपर ब्लड वाला वाटर भी क्लीन करके आना होता है। भाई मेरे को तो ऐसे लग रहा है नीचे की ना पूरी नाली लाल हो गई होगी जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको लेके चलते हैं, यहाँ पे रखते हैं और वापस से सफाई चालू करते हैं। पूरी की पूरी वॉल हो गई थी, बस एकदम ये वाली साइड रह गई है, तो फटाफट से इसको भी क्लीन कर देते हैं। एकदम परफेक्ट, सब कुछ क्लीन हो गया शायद से, एक बार चेक कर लो। ओ नहीं, नीचे काफी सारे फुटप्रिंट्स हैं यार। ओ शिट, देखो सफाई के साथ साथ ना मुझे इन सबको भी ठीक करना पड़ेगा। जोन सी पेंटिंग जहाँ पर थी वैसी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे लगा दी, टेबल को ठीक कर दिया। अब ये वाला टेबल का सेट यहीं कहीं पे रखा हुआ था शायद से। ये सोफे को भी यहाँ पे ला के रखना होगा। सोफे के ऊपर एक ये पिल्लो था जो कि एक सेकेंड, अरे पता नहीं कैसे था ये अटक गया, बिल्कुल शायद से नहीं ये व्हाइट वाला था। इसके ऊपर भी ब्लड है, शायद स्पॉन्ज से जल्दी क्लियर होगा। ये देखो साफ, ये भी एकदम साफ, ये भी एकदम क्लीन। ओके, तो यहाँ पर सबकी लोकेशन है, जो जो चीज यहाँ पे रखी थी ना, तो ये जो चेयर है ये यहाँ पर थी, ये वाला स्टूल ना यहाँ पे था, एंड ये जो है ये इसके ऊपर था। गिटार 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 इस वॉल पे था, परफेक्ट। ओ वेट, इसके ऊपर ब्लड है यार, तो इसको लगाएंगे बाद में, पहले इसका ब्लड क्लियर करते हैं। बस इस पर एक स्पॉन्ज मारनी है, साफ हो जाएगा। और अभी मैं इसको कहीं तो प्लेस कर सकता हूँ ना। ये ग्रीन वाला ना यहाँ का है ही नहीं शायद से, ये इसका है। सोफे पे जो है वो वाइट वाले पीस है। इधर ये वाला भी वाइट वाला एकदम क्लीन है, ये आएगा इधर, ये ग्रीन वाला जाएगा इधर, ये लास्ट चेयर है ये यहाँ पे थी, इधर आ गई है, इधर मोप करना पड़ेगा। देखो अभी ना हमने घर की 46% सफाई कर दिया है, अभी भी बहुत सारा एरिया बाकी है, बट यार काफी ऐसे मजा आ रहा है क्लीन करने में। ये यहाँ पर आएगा, क्लीन करके ना एकदम पहले जैसा बनाने में ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ पर आएगा, और देखो ये वाली वॉल कैसी थी, एकदम अच्छे से चमका के सेट कर दिया। बट ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार ये वाला जो सोफा है ना, इसका एक पिलो मिसिंग है। अब वो मिसिंग है कहाँ पर है ये नहीं पता, कहीं वो दूसरे कमरे में। ओके वेट, ये रहा ना, इसको लेके चलते हैं। मुझे लग रहा है कि ये प्रॉपर क्लीन है या नहीं। ओके क्लीन था, शायद इसीलिए प्लेस हुआ। बाकी ओवरऑल यहाँ पर काफी अच्छे से पूरी सफाई हो गई है। अब बारी है अगले कमरे की, बट अगले कमरे में सफाई करने से पहले यहाँ पर काफी सारा टूटा फूटा सामान है, वो मुझे उठाना होगा। ये क्या है भाई, वन ईयर मेडल फॉर वन ईयर ऑफ सोबरिटी, शायद से इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहले यहाँ पर जितना कचरा है ना भाई, वो उठा उठा के रखना पड़ेगा। इसमें टूटी हुई बहुत सारी कांच की बोतलें हैं, और अंदर भी भाई बहुत गंदा, बहुत कचरा है भाई। पूरा का पूरा बैग भर गया था भाई, अभी दूसरा दोबारा भरना चालू करा है। चलो आई थिंक
इतने ही एरिया में कचरा पड़ा हुआ था सारा. वेट, यहाँ पर कोई तो फोन है. आई माइट बी लेट टुनाइट, सॉरी. यू ऑन अ डेट और स्मिथ? नो, जस्ट गोना बाय सम वीड एंड हैव फन. ऑलराइट, सी यू टुमॉरो. ठीक है, जो भी चैट थी ये चीज अपने पास रहनी चाहिए. ड्रॉअर पड़ी है यहाँ पर काफी सारी, ड्रॉअर में चेक कर सकते हैं. कहीं पर भी ब्लड वगैरह का निशान या कोई वेपन नहीं रहना चाहिए. ठीक है, ड्रॉअर सारी की सारी क्लियर है. इसके अंदर तो नहीं, कुछ भी नहीं है. तो यहाँ की कारपेट के लिए मेरे हिसाब से स्पॉन्ज बेटर है. सबसे पहले ब्लड, अरे वेट यार, एक तो ब्लड हटाओ यार. स्पॉन्ज से ज्यादा जल्दी होता है क्या कारपेट पे? हाँ, कारपेट के लिए मेरे हिसाब से स्पॉन्ज बेटर है. और हमें स्पॉन्ज को भी वॉश करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ना ब्लड का निशान है इन सब जगहों पे, ऐसे हाथों हो गए. वो भाई एक सेकंड यार, क्या हो रहा है? मॉप में तो भरे ही जा रहा है. को भाई लेके चलो इसे और यहीं पे फेंक देते हैं. वो तेरी की, एक मिनट यार, ये गलती से हल्का सा मॉप लग गया, गंदा हो गए भाई. दीवार विवार तक में इतना यार, क्या ही ये गलत मेहनत वाला गेम है यार. ये नहीं कि वो बंदा एक ही मर्डर करता, तीन लोगों को मारा है यार, इतना ज्यादा काम करवा रहा है. बताओ, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड रह गया, इसको उठा देते हैं. चलो, ये वाला रूम भी मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया. इधर एक ब्लड का निशान रह गया, इस पे कपड़ा मार देते हैं बस. अब सारी की सारी चीजें उठा उठा के उनकी जगह पे रखनी है एकदम सही तरीके से. ये जो बैग है इसको तो मैं अभी फिलहाल बाहर फेंक कर आऊंगा. ये होगा यहाँ पे. आई थिंक ओवरऑल हमने इस पूरे के पूरे रूम को एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया है. अब बारी है अगले रूम की. यहाँ पर तो खैर कुछ भी ज्यादा काम नहीं है. एक बार ये सिंक वगैरह मैंने चेक नहीं करे यार, रुको. इसमें कुछ भी नहीं है, क्लियर है. कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. सब कुछ एकदम साफ है यहाँ पे. ठीक है, यानी कि बस मुझे मोप से पूरा का पूरा एरिया चमकाना है. अरे जमीन पे कैसे लग गया यार? अरे अरे एक सेकंड. चलो भाई, बकेट पूरी की पूरी भर चुकी है और एक नल ना ऊपर भी है, तो अभी सीधा यहीं से पानी लेते हैं. ओके, इस पूरे के पूरे कमरे को भी हमने साफ कर दिया. जमीन पे थोड़ा बहुत दाग रह गया और बाकी जो है वो तो सारा स्पॉन्ज से हटाऊंगा मैं. भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर हुई होगी बहुत खतरनाक लड़ाई इन सबके बीच में. किसी ने ईंट मारी होगी, किसी ने सर पे गिटार मारा होगा, किसी ने स्पीकर मारा होगा, तो पता नहीं क्या क्या यहाँ पर हुआ है. चलो भाई ऊपर चलते हैं. तो यहाँ पर जितने भी और भी एविडेंसेस थे ना, जैसे कि बहुत सारे लेटर्स वगैरह और भी ऐसी अलग अलग चीजें जो कि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, उन सबको भी हम लोग साथ के साथ हटाते जा रहे हैं. बाकी ये रूम का पूरा नक्शा हमें ठीक करना होगा, जो कि आई थिंक ऑलरेडी ठीक ही है. एक मिनट, ये फूट जाती है कैसे? ये तो मैं अपने लिए मेहनत बढ़ा रहा हूँ यार. आओ भाई, चलो चलो कचरा भरे. और यहाँ पर हमने इसी के साथ एक और पॉलिथिन भर दिया, कोई बात नहीं. चलो भाई, नीचे वाले फ्लोर सारे के सारे हो गए, ऊपर का बस ये एटिक रह गया. इसको भी क्लीन करते हैं. पहले तो यहाँ से भाई मॉप वगैरह धो लूं, ये स्पंज को धो लेते हैं. भाई सब कुछ एकदम गंदा हो चुका है. यहाँ पर तो ज्यादा गंद नहीं है, बस इधर ही बहुत बहुत ही सारा ब्लड इधर पड़ा हुआ था यार. लग रहा भाई इस खंबे में उन लोग को बांध रखा था, तो इसको तो अच्छे से क्लीन. आऊ क्या यार, मॉप गंदा हो जाता है ना, डबल मेहनत करवा देता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्लोर अच्छे से गंदा कर देता है यार. चलो इसको वापस से करते हैं क्लीन. और ये पूरे के पूरे पिलर को हमें स्पॉन्ज से ऊपर से लेकर नीचे तक साफ. ओ वाओ, क्या अच्छे से साफ हो गए. यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गंदगी रह गई है, जो कि मैंने पूरी की पूरी क्लीन कर डाली है. अंदर वाले रूम में तो खैर कुछ, अरे वेट, यहाँ पर अंदर एक और, अभी तो बहुत कुछ बाकी है भाई. चलो कोई बात नहीं, वापस से काम पे लगते हैं. यहाँ तो बहुत ही सारा ब्लड है. एक मिनट, ये सही में किडनैप कर रखा था क्या यार? ये रख लेते हैं उठा के. इधर स्पॉन्ज यूज करूँ क्या? चलो भाई, पूरी की पूरी वॉल मैंने एकदम चमका दिया, फ्लोर रह गया बस. ऑलराइट, चलो भाई, हम लोगों ने इस रूम की भी एकदम अच्छे से सफाई कर डाली है. और यहाँ पर भी ऐसे काफी सारी पेंटिंग है जो कि हमें पूरी की पूरी डिस्पोज करनी होगी, तो इसे तोड़ देते हैं. उसको तोड़ने के बाद इसे अपने कूड़े वाले बैग में भर लेंगे, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है भाई. यहाँ पर पूरी ब्लड से पता नहीं क्यों बनाई है ये पेंटिंग. ये बंदा जो भी था बहुत ज्यादा गलत तो था. चलो तो इसमें भर लेते हैं इसको सीधा भी. लेट्स गो. पूरी की पूरी सफाई यहाँ पर अच्छे से कर दिया. क्या देखो, इसके अंदर दिखा रहा है ना कि हमने 96% एरिया ही क्लियर करा है. 4% एरिया अभी भी ऐसा बचा है जहाँ पर ब्लड है. अब वो पता लगा कि वो पुलिस को दिखेगा या नहीं दिखेगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो भी क्लीन करना चाहिए. तो अपने पास अब कुछ ही टास्क बचे हैं कि जितने भी गार्बेज बैग्स हैं मुझे इन सबको यहाँ से हटाना है. तो फिलहाल के लिए तो ना मैं इसको भी यहाँ से फेंक देता हूँ नीचे. अरे नीचे जा, वेरी गुड. और ना कोई तो एक और एविडेंस है जो कि मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, जिससे कि वो बंदा पकड़ा जा. वेट एक सेकेंड, ये यहाँ पर किसी की तो एक आईडी थी जो कि मुझे मिल गई, ये रख लेता हूँ मैं. और यहाँ पर एक और ये पेंटिंग है यार, ये भी हटाना चाहिए. चलो तो हमने ये एरिया पूरा का पूरा क्लीन कर दिया है. और अभी जो 96 था, तो जो भी हमें दिखाया था ना कि 96% एरिया क्लीन हुआ, अब वो 100 हो गया. उसमें कुछ ये पेंटिंग रह गई थी, इस वजह से दिखा रहा था. बाकी हमने पूरी की पूरी जगह की सफाई एकदम अच्छे से कर दी है. तो अभी इस बकेट को हम लोग वापस कलेक्ट कर लेते हैं. हमारा काम एकदम बढ़िया तरीके से हो चुका है. बस हमें ये कूड़े के बैग जो है यहाँ से ले जाके फेंकने हैं. दरवाजा खोलो भाई, यहाँ से नहीं फेंक सकते क्या? ये क्या है भाई, Pennywise 26 boxes. क्या है मंगवा रहा है रोब? भाई पता नहीं आ रहा किस चीज का ऑर्डर दे रखा है इसने. खैर ठीक है, ये भी मिल गया, संभाल के रखते हैं. ओ वेट, अभी मुझे समझ आया. तो हर फ्लोर का ना डिफरेंट सीन है. यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि अभी कोई तो एक फर्नीचर है जो कि अपनी लोकेशन पे नहीं है.
ओ अच्छा ये है वो, इसको यहाँ लगा देते हैं, डन। डीलर्स अपार्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है, ओल्ड टास्क कंप्लीटेड। बाहर चल के चेक करो, अभी कहीं पर भी मुझे कोई टास्क नहीं दिखा रहा है, हमने सारा का सारा एरिया एकदम सही तरीके से ठीक कर दिया, परफेक्ट। अब बस ना मुझे यहाँ से थोड़ा बस कचरा नीचे फेंकना है ना। लाओ भाई ये सीधा गाड़ी में डाल सकता हूँ मैं यहाँ से, पता नहीं गया तो है, पता नहीं कहाँ गया, गली में फेंक दिया, बाद में देखेंगे। इसको भी नीचे फेंक देता हूँ मैं, एक और कहीं तो बैग था ना ये रहा। इसको इसमें नहीं डाल सकते क्या यार? अच्छा नहीं यार यहीं की तो क्लीन, इसमें डाल के नहीं चले जाएंगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। लेट्स गो, ये भी नीचे फेंक दिया मैंने, इस विंडो को खुले रहने देते हैं। सब कुछ एकदम हमने पहले जैसा कर दिया है, दरवाजा इसको बंद कर देते हैं, वॉशरूम के डोर को भी बंद करते हैं, ऑल डन। इस अपार्टमेंट को यहाँ से कर हम लोग निकल जाते हैं वापस, लेट्स गो। मजा आ गया भाई, बट यार अभी ना काम अपना कम्प्लीट नहीं हुआ है। वो जो गार्बेज बैग थे ना मुझे उन्हें डिस्पोज करना है, बट डिस्पोज कहाँ पे करना है, नीचे कोई कूड़ेदान है या फिर मुझे उन्हें कहीं गाड़ी चला के लेके जाना है किसी दूसरी जगह। भाई पता नहीं कहीं से आवाज आ रही है, इसमें डाल दूं क्या? कहाँ डिस्पोज होंगे भाई ये? भाई इधर ऑलरेडी इतना कचरा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना डिस्पोज, गाड़ी में रखूं क्या? अगर इसमें रख दूं तो, ओ वाओ इसमें ही रखना है, तो यानी अगर मैं ऊपर से एकदम अच्छे से फेंकता तो सही हो जाता। ये देखो तो इसे उठा के बस ऐसे थ्रो करना है, अगर ऊपर से अच्छे से थ्रो करा होता तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट ठीक है। सारे के सारे टास्क अपने कम्प्लीट हो चुके हैं, हम लोगों ने अपना काम एकदम अच्छे से कर दिया है, अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट जॉब क्राइम सीन क्लीनर की, और हमने अपना काम एकदम अच्छे से करा, हमने 98% ब्लड क्लीन करा, ट्रैश 100% करा, और फर्नीचर ये 98 कैसे रह गया यार, ये तो 100 हो गया था, पता नहीं शायद से किसी एक एरिया का या किसी आइटम पे लगा हुआ ब्लड रह गया होगा मुझे लग रहा है, जब मैंने सोफास के वो रखे थे ना तब तो हो सकता है कहीं रह गया हो, बट ठीक है हमने अपना काम बहुत ही अच्छे से करा। भाई इस गेम में ऐसे और भी बहुत सारे मिशन, बहुत सारी जॉब्स हैं जहां पर हमें जाना पड़ेगा, तो अगर आप लोग चाहते हो कि क्राइम सीन क्लीनर का एक और एपिसोड लाया जाए तो इस वीडियो पर 450,000 लाइक कंप्लीट कर दो यार, नीचे प्यारा सा लाइक का बटन है उसे जाके दबा दो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी यार नीचे कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि क्या तुम लोग पहले जैसे रेगुलर लाइव स्ट्रीम्स देखना चाहते हो, क्या मस्त दिन होते थे यार ऐसे में रेगुलर लाइव आता था, मजे आते थे, अभी फिलहाल बंद हो चुका है, तो नीचे कमेंट्स में जाके जरूर बताओ, दोबारा स्टार्ट कर देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।